जय मसीह की। स्वागत है आपका भक्ति वचन पर। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन का भक्तिपूर्ण अध्ययन करते हैं। तो अगर आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आज से अगले 5 दिन हम मरकुस के 7वें अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। आज हम इस अध्याय के पहले से 7 आयात पर चर्चा करेंगे। आज की आयातों में हम एक बार फिर यीशु का सामना फरीसियों और धर्मशास्त्रियों से होते देखेंगे। इस अध्याय का अगर विषय देखें तो वो है धार्मिकता और पवित्रता। एक धार्मिकता और पवित्रता है जिसे परमेश्वर धार्मिक और पवित्र ठहराता है। दूसरी एक और धार्मिकता और पवित्रता होती है जो मनुष्यों को खुद लगती है कि वो धार्मिक है, वो पवित्र है। व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, बहुत पवित्र हूँ। हो सकता है दूसरे लोगों को भी लगता हो, पर परमेश्वर के लिए ऐसी धार्मिकता, ऐसी पवित्रता एक समस्या है। क्योंकि जो लोग अपनी ही नज़रों में धार्मिक और पवित्र होते हैं वे अहंकार में होते हैं, और अहंकारी मनुष्य को कभी भी परमेश्वर की क्षमा, उसकी दया, अनुग्रह की ज़रूरत महसूस नहीं होती। वह मुँह से परमेश्वर परमेश्वर तो कर सकता है, पर उसका हृदय परमेश्वर पर नहीं, खुद पर होता है। और यही उन दिनों फरीसियों और धर्मशास्त्रियों का हाल था। जैसे आज हमारे देश में राजनीतिक दल होते हैं, धार्मिक गुट होते हैं, वैसे इज़राइल में भी उन दिनों यह राजनीतिक और धार्मिक गुट थे। कौन कौन से थे? फरीसी, सदूकियो, धर्मशास्त्री, हेरोडियस और जिलोती। इस तरह के 5 गुट हमें बाइबल में देखने को मिलते हैं। जो फरीसी होते थे वो बहुत ही कट्टर धार्मिक गुट थे, जो यहूदी समाज के एक तरह से उन दिनों धार्मिक नेता भी थे। ये लोग धार्मिक व्यवस्था को लेकर कट्टर भी थे और राष्ट्रवादी भी थे। सदूकी भी धार्मिक नेता थे, पर वे लोग अमीर लोग थे। वे लोग अलौकिक में विश्वास नहीं रखते थे। वे लोग भी परमेश्वर के वचन को मानते तो थे, पर उतनी कट्टरता से नहीं जितनी कि फरीसी मानते थे। धर्मशास्त्री ये यहूदी व्यवस्था के शिक्षक और शास्त्री हुआ करते थे। यह लोग कई बार फरीसियों के मत की व्याख्या किया करते थे। इसलिए फरीसी और धर्मशास्त्री आपको कई बार एक साथ दिखाई देंगे। दूसरे राजनीतिक गुट जो थे वो थे हेरोडियंस, और जो मौका परस्त लोग थे। वो चाहते थे कि हेरोदस जो है वही राजा बना रहे, क्योंकि यह उनके व्यापार के लिए अच्छा था। और जिलोती वो उग्रवादी यहूदी देशभक्त थे जो रोमियो शासन के खिलाफ थे। यह थे यीशु के समय के राजनीतिक या धार्मिक गुट। परंतु यीशु के जो खिलाफ थे, जो उसके सबसे बड़े दुश्मन थे, वे थे फरीसी और धर्मशास्त्री। और यीशु की बातों से साफ पता चलता है कि यीशु भी इन लोगों को पसंद नहीं किया करते थे। प्रेम करते थे पर पसंद नहीं किया करते थे। और यहाँ हम फरीसियों की और धर्मशास्त्रियों को यीशु पर एक और सवाल उठाते हुए देखेंगे। और यीशु इन लोगों के सवाल का उत्तर देने के बजाय सीधे उनके हृदय की अवस्था के बारे में बोलते हैं। इन लोगों से बात करते हुए जिनके लिए परंपरा और मजहब परमेश्वर के साथ रिश्ते से अधिक महत्वपूर्ण हो गया था, यीशु धार्मिक व्यवस्था और नियमों की कट्टरता के खतरे के बारे में हमें बहुत कुछ बताते हैं। आइए मैं आपके लिए मरकुस 7:1-7 तक पढ़कर सुनाता हूँ। यरूशलेम नगर से फरीसियों तथा कुछ शास्त्रियों ने आकर मसीह यीशु को घेर लिया। उन्हें देखा कि मसीह यीशु के कुछ शिष्य सांस्कृतिक रूप से अशुद्ध हाथों से, बिना धोए हुए हाथों से भोजन कर रहे हैं। फरीसी और सभी यहूदी हाथों को भली भांति धोए बिना भोजन नहीं करते थे। ऐसा करते हुए पूर्वजों से चली आ रही प्रथाओं का पालन करते थे। हाथ से लौटने पर वे स्वयं को पारंपरिक रीति से शुद्ध किए बिना भोजन नहीं करते थे। वे चली आ रही अन्य अनेक प्रथाओं का पालन करते चले आए थे, जैसे कटोरा, घड़ों तथा पकाने के तांबे के बर्तनों का धोना। ध्यान दीजिए, 3 आयात में मरकुस बता रहा है कि सभी यहूदी हाथों को भली भांति धोए बिना भोजन नहीं करते थे। ऐसा करते हुए वे पूर्वजों से चली आ रही जो प्रथा थी उसका पालन करते थे। मरकुस रोमियो पाठकों और श्रोताओं के लिए लिख रहा है जिन्हें यहूदी की प्रथाओं के बारे में, व्यवस्था के बारे में अधिक पता नहीं था। अब आपको भी उनकी प्रथा के बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा। अब ये जो हाथ धोने की बात कर रहे हैं, या कोई साफ सफाई के लिए हाथ धोने की बात नहीं कर रहे। जैसे बचपन से हमें सिखाया गया है ना कि बिना हाथ धोए खाने से आपके कीटाणु आपके अंदर चले जाते हैं और अब हम बीमार हो जाते हैं। इनका हाथ धोना साफ सफाई से लेकर नहीं था। इनका हाथ धोना एक धार्मिकता
और एक आत्मिक काम था। इसकी पूरी पद्धति हुआ करती थी, यह एक अनुष्ठानिक विधि संबंधि प्रथा थी। इस काम के लिए जो पानी रखा जाता था वह विशेष बर्तन में रखा जाता था। इस पानी का उपयोग किसी और चीज के लिए कभी भी नहीं किया जाता था और इससे हाथ धोने के तरीके की भी एक बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया थी। और इसका उद्देश्य साफ सफाई नहीं था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, शुद्धिकरण था, संसार की अशुद्धता से अपने आप को शुद्ध करना, जैसा हमारे देश में लोग गंगा जल छिड़क कर करते हैं वैसे ही। और जब भी वे लोग हाट बाजार से आते वापस आते तो अनुष्ठानिक शुद्धिकरण और अधिक किया करते थे, क्योंकि हाट बाजार में अन्य जाति के लोग भी हुआ करते हैं और उनके हिसाब से अन्य जाति के लोग जो यहूदी नहीं थे वो अशुद्ध थे। इनका रवैया कुछ ऐसा ही था जैसा कि हमारे देश में ब्राह्मणों का शूद्रों के प्रति हुआ करता था, उनकी छाया भी पड़ गई तो हम अशुद्ध हो गए। यह होता है आत्मिक और धार्मिक अहंकार। आपको लगता है आप दूसरों से बेहतर हो। और उनके बर्तनों को शुद्ध करने के लेकर भी जटिल नियम थे, शुद्धता के नियम, और इसी बारे में वे यीशु पर सवाल उठाते हैं। क्योंकि यीशु के शिष्यों ने यहूदी होते हुए भी अनुष्ठानिक प्रकार से शायद हाथ नहीं धोए होंगे जैसे कि उनकी प्रथा रही होती, और यीशु इस सवाल को एक मौके की तरह इस्तेमाल करते हैं यह बताने के लिए कि परमेश्वर के अनुसार आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। अगले कुछ दिनों में हम तीन ऐसे संकेत देखने वाले हैं जिससे आपको यह समझ आ जाए कि आप आत्मिक रूप से एक खतरनाक स्थान पर हैं। मैं आगे पढ़ता हूं आपके लिए 5 आयात से। फरीसियों तथा शास्त्रियों ने मसीह यीशु से प्रश्न किया, तुम्हारे शिष्य पूर्वज चली आ रही प्रथाओं का पालन क्यों नहीं करते, वे अशुद्ध हाथों से भोजन करते हैं। मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, आप पाखंडियों के लिए भविष्य वक्ता यशाह की यह भविष्यवाणी ठीक ही है, ये लोग मात्र ओटों से मेरा सम्मान करते हैं किंतु उनका हृदय मुझसे अत्यंत दूर है, मेरे प्रति उनकी उपासना व्यर्थ है, उनकी शिक्षाएं मात्र मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है। यीशु की इस शिक्षा में हमें पहला आत्मिक खतरे का संकेत दिखाई पड़ता है। क्या है वह संकेत? वह है जब आपके दिल में जो है और जुबान पर जो है उसमें अंतर है, आपकी कथनी और करनी में फर्क है। यीशु उन्हें पाखंडी बोलते हैं। ये लोग होठों से परमेश्वर का सम्मान करते हैं पर दिल में परमेश्वर से बहुत दूर होते हैं। जो कहते हो वो तो सच होता है पर जो जीते हो वह झूठ। एक मसीही कैसे पाखंडी हो सकता है? देखिए, दुर्बलता होना यह कोई गलत नहीं है, पर पाखंड होता है जब आप अपनी दुर्बलता को एक मुखौटे के पीछे छुपाते हो। दरअसल यूनानी भाषा में जो शब्द जिसका हिंदी में अनुवाद पाखंडी या कपटी है, वो शब्द है हिपोक्रिटोस, जिसको इंग्लिश में अंग्रेजी में हिपोक्रिट बोलते हैं। हिपोक्रिटोस वो कलाकार हुआ करते थे जो मुखौटा पहनकर किरदार निभाया करते थे। क्या आपके मुंह में आपके परमेश्वर का गुणगान कर रहे हो, परमेश्वर का वचन बोल रहे हो, आप सारे वो काम कर रहे हो जो एक अच्छे मसीही को करने चाहिए, पर आपका हृदय यीशु से दूर है? आपका दिल उन बातों के लिए नहीं धड़कता जो यीशु के लिए महत्वपूर्ण है? तो आपके सारे अच्छे मसीही काम कर्म केवल दिखावा है, एक मुखौटा है। आप एक विश्वास या किरदार निभा रहे हैं, अंदर से मसीही नहीं है, एक पाखंडी है। यीशु आगे कहते हैं, मेरे प्रति उनकी उपासना व्यर्थ है, उनकी शिक्षाएं मात्र मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है। मैं कैसे समझूं कि मेरी यही समस्या है? ये जो फरीसी थे, इनकी बातें, इनकी धर्म परायणता, उनके शुद्ध रहने की लालसा उनके हृदय की अवस्था से मेल नहीं खा रही थी, पर उनको यह समझ नहीं आ रहा था। उन्हें यह लग रहा था कि वे लोग ठीक कर रहे हैं, यहां तक कि अंत में वे लोग यीशु को मार डालेंगे यही सोचते हुए कि लोग ठीक कर रहे हैं। तो मेरे को कैसे समझ आएगा कि मैं पाखंड कर रहा हूं? मेरे को वही करना है जो उस दिन उन लोगों को करने की जरूरत थी, यीशु के वचन को सुनने की, परमेश्वर के वचन को सुनने की। जब मनुष्य के बनाए हुए धार्मिक नियम परमेश्वर के हृदय से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो हम भी फरीसी बन जाते हैं। पूछना जरूरी है, क्या है परमेश्वर का हृदय? क्या चाहते हैं परमेश्वर? क्या है जो परमेश्वर के दिल को दुख पहुंचाता है? क्या है जो परमेश्वर को आनंदित करता है? आप यह सब तो समझते हो जब आप उनके वचन को सुनते हो, यीशु के वचन को सुनते हो। उन्होंने यीशु को सुनने के बजाय उसे चुप कराने की कोशिश की, कर तो नहीं पाए पर कोशिश तो की।
तो अगर आप अपने दिल को खोलोगे, अपने आत्मिक अहंकार को तज कर यीशु की बातों पर ध्यान दोगे, मनुष्य द्वारा बनाए हुए धार्मिक नियमों से हटकर, तो आप परमेश्वर के दिल की आवाज को सुन पाओगे। हम सुन सकते हैं अपने अहंकार के बीच या यीशु को सुनने में और समझने के बीच, हम चुन सकते हैं। आइए आज प्रार्थना में यीशु को सुनना और समझना चुनते हैं। खुले दिल से यीशु से कहिए, प्यारे यीशु, आपको मेरी बात और हृदय के बारे में क्या बोलना है? क्या है जो मैं बोल रहा हूं पर कर नहीं रहा? क्या मैं दूसरों को वो करने को बोल रहा हूं जो मैं खुद नहीं करता? क्या मैं तेरे वचन को या अच्छी धार्मिक बातों को अपने अंदर की अशुद्धता छुपाने के लिए अशुद्धता छुपाने की कोशिश करता हूं? उससे मैं यीशु मेरे बात बारे में तू जो भी कह रहा है उसे सुनने में और समझने में मेरी मदद कर। अगर मेरे जीवन में कहीं पाखंड है तो उसे पहचान कर मुझे विनम्र बना। बदलने के लिए मैं मुझे विनम्र बना। मैं चाहता हूं कि कुछ भी हो तू मुझसे प्रेम करता है, ये मैं जानता हूं, और बाकी जिंदगी मेरे को तू अपने में बढ़ाएगा। यीशु, मैं फरीसी और धर्मशास्त्री जैसा नहीं बनना चाहता। मुझे अहंकार हटाकर नम्रता ला। मेरी कथनी और करनी में फर्क ना हो, मैं तेरे हृदय को मैं समझ पाऊं और तेरी उपासना करूं। यीशु, तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हमसे जरूर जुड़िएगा, हम बात करना जारी रखेंगे एक और आत्मिक खतरे के बारे में, जब हम परंपराओं को परमेश्वर के निर्दोष का स्थान दे देते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, परमेश्वर की महिमा हो।